बावल दैनिक यात्री संघ ने ट्रेन का विस्तार करने पर किया रेल विभाग का आभार व्यक्त। आज के समय में ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए रोजाना दिल्ली पैसेंजरी करने वाले ट्रेन से यात्रा करना ज्यादा सुगम समझते हैं। जो व्यक्ति रोजाना अपने काम पर या अपनी ड्यूटी पर समय पर पहुंचना चाहता है तो उसे रोड के भारी भरकम ट्रैफिक से रोजाना दोचार होना पड़ता है, जिस कारण से वह रेलगाड़ी के सफर को प्राथमिकता देता है। अगर किसी की रोजाना की होने वाली परेशानी को दूर कर दिया जाए तो सुकून मिलना लाजमी है। आपको बताते चले कि दैनिक यात्री संघ की एक लंबे अरसे से ट्रेन के रूट विस्तार को लेकर रेल मंत्रालय से हमेशा ही मांग रही है, जिसको रेल मंत्रालय की तरफ से ट्रेन का विस्तार करके उनकी यात्रा व उनके आने जाने के साधन को सुगम बना दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में व हरियाणा का टेक्निकल हब कहे जाने वाले गुरुग्राम की तरफ राजस्थान के अलवर से लेकर बावल होते हुए रेवाड़ी से रोजाना काफी तादाद में अपनी नौकरी पर जाने वाले दिल्ली पैसेंजर होते हैं, जिन्हें रोजाना आने जाने में मात्र एक ट्रेन का ही सहारा होता है। दिल्ली व गुरुग्राम काफी दूर दूर से यात्री रोजाना सफर करके अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, लेकिन शाम को ऑफिस से निकलने के बाद रोजाना के यात्रियों को रेवाड़ी से आगे बावल और खैरथल व अलवर की तरफ कोई भी सीधी ट्रेन नहीं होने के कारण समस्या का सामना करना पड़ता था। लेकिन 25 अप्रैल 2024 से दैनिक यात्री संघ की पुरजोर मांग पर रेल विभाग ने पुरानी दिल्ली से रेवाड़ी तक चलने वाली ट्रेन का विस्तारीकरण राजस्थान के बांदीकुई तक कर दिया है। ये पैसेंजर ट्रेन रेवाड़ी तक आती थी, लेकिन अब इसका विस्तार बांदीकुई तक बढ़ा दिया गया है, जिस कारण से इस रूट पर चलने वाले दैनिक यात्रियों को इस ट्रेन बहुत अत्यधिक लाभ मिलेगा। जब ये ट्रेन शुक्रवार को 4:38 पर बावल के रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो दैनिक यात्री संघ के द्वारा ट्रेन के लोको पायलट व ट्रेन मैनेजर का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। यात्री संघ की तरफ से स्टेशन अधीक्षक बलराम मीना का भी फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। वही ट्रेन के समस्त स्टाफ का व रेलवे स्टेशन के संपूर्ण स्टाफ का आभार व्यक्त किया गया। आज इस पैसेंजर ट्रेन का विस्तार करने से दैनिक यात्री संघ ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब रेवाड़ी से आगे बावल, अजरका, खैरथल व अलवर के रोजाना आने जाने वाले पैसेंजर को परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। दैनिक यात्री संघ ने रेल विभाग का भी आभार व्यक्त किया है।